हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लिए मैं आज एक और बात लेके आ चुका हूँ शर्लॉक होम्स की एक और बहुत ही फेमस कहानी द स्कैंडल इन बोहेमिया के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है जब शर्लॉक डॉक्टर वॉटसन को एक बहुत ही फेमस फीमेल क्रिमिनल इरीन एडलर के बारे में बता रहा था। वो डॉक्टर वॉटसन को बोलता है कि ये एक ऐसी शातिर और चालबाज औरत है जिसने पूरे साउथ अमेरिका और यूरोप में अपने धोखाधड़ी से लोगों को प्रभावित करा था और अभी ये रिटायर होने के बाद लंदन में ही कहीं पर रह रही है। शर्लॉक होम्स को एक लेटर आता है जिसपे जर्मन एम्पायर की रॉयल सील लगी होती है। शर्लॉक बोलता है कि ये जर्मन एम्पायर के राजघराने बोहेमिया की सील है और उस लेटर के मुताबिक शर्लॉक होम्स को यूरोप में बुलाया गया है किसी स्कैंडल को सॉल्व करने के लिए। लेकिन ये लेटर को आके पूरा एक हफ्ता हो चुका होता है लेकिन शर्लॉक ने उस लेटर का कुछ जवाब नहीं दिया होता। ऐसे में एक दिन शर्लॉक से एक आदमी मिलने के लिए आता है जिसने अपना चेहरा पूरी तरीके से ढका हुआ होता है। वो शर्लॉक से बोलता है कि उसे शर्लॉक से अकेले में कुछ बात करनी है और वो अपने आप को बोहेमिया का राजा और मैं अभी बुरी तरीके से फंसा हुआ हूँ और मुझे द ग्रेट शर्लॉक होम्स की मदद चाहिए। वो फिर बताता है कि तकरीबन आज से 5 साल पहले वो इरीन एडलर से मिला था। उन दोनों के बीच प्यार हो गया और उन्होंने काफी सारा वक्त साथ में बिताया लेकिन इसके बाद वो दोनों अलग हो गए। लेकिन उनके अलग होने के बावजूद इरीन एडलर अभी भी बोहेमिया के राजा को ब्लैकमेल कर रही थी। असल में इरीन एडलर के पास कुछ लेटर्स थे जो बोहेमिया के राजा ने भेजे थे जिसपे बोहेमिया की रॉयल सील लगी हुई थी। इसके साथ साथ इरीन एडलर के पास उन दोनों की एक फोटो भी थी। आज से एक हफ्ते बाद बोहेमिया के राजा की स्कैंडिनेवियन प्रिंसेस से शादी होने वाली होती है और बोहेमिया का राजा ये बिल्कुल नहीं चाहता कि वो शादी टूटे। ऐसे में वो शर्लॉक होम्स से मदद की गुहार लगाता है और शर्लॉक होम्स भी बोलता है कि आप टेंशन मत लो, मैं आपकी पूरी तरीके से मदद करूंगा। इसके बाद शर्लॉक इरीन एडलर के घर का पता करता है और उसके घर के आसपास नजर रखने लगता है। तब उसे पता चलता है कि उसके घर के आसपास काफी सारे गार्ड्स रहते हैं लेकिन शर्लॉक होम्स देखता है कि उसका डेली का रूटीन सेम रहता है। एक बार शर्लॉक कैब में बैठ के उसके घर के बाहर पहरा दे रहा होता है कि तभी वो देखता है कि इरीन एडलर अपने घर से भागी भागी कहीं निकली है। शर्लॉक होम्स उसका पीछा करता है तो वो एक चर्च में जाके पहुंचते हैं। शर्लॉक जल्दी से एक पादरी का गेटअप लेके उस चर्च में घुस जाता है। शर्लॉक को पता चलता है कि इरीन एडलर यहाँ पर किसी गॉडफ्रे नाम के आदमी से शादी करने के लिए आए हैं। वहां पर शर्लॉक होम्स पादरी बनके उन दोनों की शादी करवा देता है। उसके बाद शर्लॉक डॉक्टर वॉटसन को अपना प्लान बताता है जिससे वो उस फोटो को उस घर से निकलवाने में कामयाब हो पाए। शर्लॉक डॉक्टर वॉटसन को बोलता है कि मैं जैसे ही इरीन एडलर के घर के अंदर घुसूं तुम उसके घर के अंदर एक स्मोक बॉम्ब फेंक देना जिससे और चिल्लाना कि आग लग रही है, आग लग रही है। इससे उसके घर के आसपास भीड़ इकट्ठा हो जाएगी और मैं भी तुम्हें 10 मिनट बाद उसी भीड़ में मिलूंगा। अगले दिन जैसे ही इरीन एडलर की कैब उसके घर के सामने पहुंचती है शर्लॉक होम्स उसके कैब के सामने जाके गिर जाता है। उसके गार्ड जब शर्लॉक होम्स को उठाते हैं तो देखते हैं कि शर्लॉक के नाक से काफी सारा खून बह रहा होता है। गार्ड कहते हैं इसका काफी खून बह रहा है, इसे हमें हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहिए। जिस पे इरीन एडलर बोलती है कि नहीं, हम इसे अपने घर लेकर चले जाते हैं। जब शर्लॉक इरीन के घर के अंदर होता है तो नाटक करता है कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में इरीन की जो मेड होती है वो रूम की खिड़की को खोल देती है और जैसे ही वो खिड़की को खोलती है डॉक्टर वॉटसन बाहर से एक स्मोक बॉम्ब अंदर फेंक देते हैं और चिल्लाते हैं कि आग लग रही है, आग लग रही है। पूरे घर में भगदड़ मच जाती है और बाहर भी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लेकिन 2 मिनट बाद शर्लॉक बोलता है कि नहीं नहीं ये तो एक फॉल्स अलार्म था और उसके 10 मिनट बाद शर्लॉक डॉक्टर वॉटसन को उसी घर के बाहर भीड़ में मिलता है। शर्लॉक फिर डॉक्टर वॉटसन को बोलता है कि उसे पता चल चुका है
कि वो फोटो कहाँ रखे। शर्लॉक बोलता है कि जब हम किसी समस्या में फंसते हैं या हम पर कोई आपदा आती है या हमारे घर में आग लगती है तो हम सबसे पहले उस चीज की तरफ भागते हैं जो हमें सबसे ज्यादा कीमती होती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को लेने के लिए भागेगी, एक नई दुल्हन अपनी ज्वेलरी को बचाने के लिए भागेगी, वैसे ही इरीन एडलर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थी वो फोटोग्राफ जिसको उसने एक स्लाइडिंग पिक्चर के पीछे छुपा के रखा है और इरीन भी उसी के लिए भागी। उस दिन उसने तकरीबन उसे आधा खोल ही दिया था कि तब मैंने चिल्लाया कि एक फॉल सामान है। शर्लॉक फिर ये सारी बातें राजा को भी बताता है और फिर ये तीनों अगले दिन इरीन एडलर के घर पर पहुंचते हैं। दरवाजा खोलने पर इरीन की मेड बोलती है, शर्लॉक होम्स हमें आपका ही इंतजार था। जब शर्लॉक घर पर नजर डालता है तो घर पर सारा सामान बिखरा पड़ा होता है जैसे अभी अभी कोई हड़बड़ी में यहाँ से भागा हो। तब इरीन की मेड बोलती है कि इरीन और गॉडफ्रे आज ही फ्लाइट पकड़ कर यहाँ से चले गए हैं और अब वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। शर्लॉक फिर उस स्लाइडिंग पिक्चर की तरफ भागता है और उसे खोलता है तो उसके पीछे एक तिजोरी रखी होती है जिसके अंदर एक इरीन एडलर की फोटोग्राफ होती है और एक लेटर होता है। उस लेटर के अंदर लिखा होता है कि द ग्रेट मिस्टर शर्लॉक, मुझे पता था कि तुम मेरे पीछे आओगे, इसलिए मैंने भी तुम्हारे पीछे जासूस छोड़ रखे थे। तुम्हारा जो कैब ड्राइवर था वो मेरा जासूस था और वो मुझे हर पल की खबर दे रहा था। यही नहीं, उस दिन जब तुम चर्च में पादरी बन के आए थे तब भी मुझे पता था कि वो तुम हो। खैर, मैं अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ तो तुम वो बोहेमिया के राजा से कह सकते हो कि मैं उसे अब कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। हाँ, लेकिन वो फोटोग्राफ और वो लेटर मैं अपने साथ ही रखूंगी ताकि आगे चल के वो राजा मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। शर्लॉक फिर इरीन एडलर की फोटोग्राफ को अपने पास रख लेता है और मन ही मन सोचता है कि ये एकमात्र वो लड़की है जिसने द ग्रेट शर्लॉक होम्स को चकमा दिया था। यहाँ पे ये कहानी खत्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मैं आपसे मिलूंगा अगली ही एक और शर्लॉक होम्स की वीडियो में। तब तक के लिए बाय।